At this view, यार, awesome. ओहो, fly भाई, क्या बात है भाई. So फिलहाल guys हम feel ले रहे हैं RR 310 का. इसको turn करने में काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि lightweight है अपने GT 650 के comparison में. एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए ब्रांड एपिसोड में. अभी टाइम हुआ है सुबह के 5 बज रहे हैं और हम अपनी GT को वार्म अप कर रहे हैं और निकल रहे हैं एक शॉर्ट सी राइड के लिए. तो फटाफट GT को लेके निकलते हैं और आगे अभी एक भाई हमारा वेट कर रहा है, तो उसको ज्वाइन करते हैं, तो मिलते हैं फिर उसी के साथ में. तो गाइस, सबसे पहले हम अपनी GT को जरा फ्यूल अप करा लेते हैं, क्योंकि यार यहाँ पर हम लास्ट ट्रिप जो थी ना हमारी 200 किलोमीटर की थी, जब हम मुरादाबाद गए थे. तो जब से अभी तक हमने GT को राइड नहीं किया है, तो काफी दिन बाद आज हम GT को निकाल रहे हैं. चल रहे हैं इसको फ्यूल स्टेशन लेके और फिर निकलेंगे एक शॉर्ट सी राइड. क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया, गुड मॉर्निंग. हाँ, पहले फ्यूलिंग कराओ. तो अभी हम चल रहे हैं फ्यूल स्टेशन, तो फटाफट से पहले फ्यूल अप करा लेते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे. चुके हैं भाई अपने फेवरेट फ्यूल स्टेशन पर. क्या कह रहे हो? ना ना, आज लंबा नहीं जा रहे, शॉर्ट ही जा रहे हैं. ना ना, आज तो लोकल ही है. सो लाइट गाइस, अभी हम आ चुके हैं ये हमारा फ्लाईओवर के साइड वाली रोड पर, सर्विस लेन पर आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग फ्लाईओवर में कनेक्ट होने वाले हैं. और यहाँ से हमारा आ चुका है भाई देहरादून वाला हाईवे. लाइटें वाइटें बहुत बढ़िया लग गई हैं भाई, इस साइड से तो हम कभी कनेक्ट ही नहीं किए, तो आज हम आ रहे हैं. क्या प्यारी लग रही है लोकेशन. लो जी गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं हाईवे पर. ये देखो भाई, क्या ब्यूटीफुल हाईवे लग रहा है इस समय पर, देख रहे हो यार. और ये है मॉर्निंग की वाइब्स. अभी हम इस साइड से आ रहे थे. बढ़िया लग रहा है यार हाईवे. हाँ, लाइट अच्छी लग रही है. सो गाइस, निकल रहे हैं अभी इसी रूट पर और मोस्ट प्रोबेबली आज हम जो एक बहुत बढ़िया सी लोकेशन है, जो डैम है यहाँ पर, बाजपुर पड़ता है एक सिटी, उसके पास में एक बहुत प्यारा सा डैम पड़ता है, वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है, तो वहाँ जाने का हम लोगों ने प्लान किया है. होप आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा. तो उससे पहले भी हम कुछ बढ़िया से व्लॉग शूट करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना यार, सपोर्ट करो, थोड़ा सा व्लॉग्स को शेयर वेयर कर दिया करो भाई लोगों. हम लोग पहुँच चुके हैं इस हाईवे पर और निकल रहे हैं अभी हम, पहले बाजपुर पहुँचेंगे और बाजपुर के बाद हम लोग डैम पर पहुंचने वाले हैं और वहां जाकर आप लोगों को सीन चेकआउट कराने वाले हैं भाई, और एक मॉर्निंग राइड बढ़िया सी हो जाएगी भाई. और टाइम देख रहे हो, अभी 6:15 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट हम 5 बजे निकले थे, तो बढ़िया हो गया है भाई शूट अपना. हम लोग आ चुके हैं हाईवे से इस वाली रोड पर और ये रोड जा रही है सीधा डैम के लिए. और व्यू चेक कर रहे हो, क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है, देख रहे हो. मतलब मिलेगा कहीं ऐसा एक नंबर व्यू आप लोगों को, क्या फसल पकने के लिए तैयार है. और उधर चेक करो यार, कैसे पॉपुलर के पेड़ ही पेड़ है, क्या जबरदस्त लग रहे हैं भाई, देख रहे हो क्या सेट करके लगाए हुए हैं पेड़, बेहतरीन भाई. जिसका भी ये खेत कटेगा ना, ओहो करोड़पति हो जाएगा भाई वो तो. और रुद्रपुर यहाँ से 32, गुलरबोज डैम यहाँ से 6 किलोमीटर और गदरपुर भी आप इधर से निकल सकते हो, 14 किलोमीटर रह जाता है मात्र गदरपुर यहाँ से. और यहाँ से थोड़ा सा पैच जो है ना ऐसी है, फुल ऑफ रोडिंग करता हुआ. ओ भाई, मैं भी आगे रहूँगा क्योंकि धूल में हो जाऊँगा वरना. और सामने आप देखो डैम की बाउंड्रीज हमें देखना स्टार्ट हो गई हैं. अभी तो मॉर्निंग का टाइम है भाई, इवनिंग में तो बहुत सारा क्राउड आता है, हम लोगों ने इसीलिए मॉर्निंग का टाइम चूज. और ये डैम से आ रहा है भाई पानी, आप चेक कर सकते हो, यहाँ से डैम के नीचे से पानी आ रहा है. चेक करो, अब आपके लिए नज़ारे कैप्चर करने वाले हैं. देख रहे हो रोड, क्या ज़बरदस्त रोड बन गई है भाई, पहले नहीं थी जब हम यहाँ पर आए थे तो. और अभी देखो सीन कुछ बदलने वाला है. हो, ये है भाई आप लोगों के लिए नया सीन. क्या बात है भाई, जन्नत लगती है यार ये तो. देख रहे हो भाई, ये है भाई गुलरबोज डैम और यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी है, सारी चीज़ें आप लोगों को भी चेकआउट कराने वाला हूँ. फिलहाल एक ओवरव्यू ले लो, देखो डैम की बाउंड्रीज देख लो. और अभी जून का टाइम है इसलिए पानी जो है थोड़ा कम हो रहा है, और यहाँ दोनों बाइक्स हमने लगा दी हैं. और क्या ज़बरदस्त मॉर्निंग हो रही है भाई, GT 650 और RR 310 के साथ में. कैट दिस व्यू यार, ऑसम. सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं इस लोकेशन पर और ये चेकआउट करो, यहाँ से कहीं से हम लोग आए हैं और ये गेस्ट हाउस वगैरह है. और भाई यहाँ से गेट वगैरह बने हैं थोड़ा सा वाटर डाइवर्ट करने के लिए इस साइड में, और मेन बैराज का गेट उधर है. और लोकेशन चेक करो यार, क्या ज़बरदस्त लग रही है भाई लोकेशन, देख रहे हो क्या प्यारी जगह है. और अभी जून है भाई, वाटर लेवल डाउन हो चुका है, देखो आप बिल्कुल ऊपर ऊपर तक रहता है पानी यहाँ पर. अभी बारिश होगी तो वाटर लेवल बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा. क्या बढ़िया लग रही है भाई, लोग देख रहे हो वॉकिंग शॉकिंग पे आए हुए हैं यहाँ पर. क्या बात है भाई, क्या बात है, लोग वॉक वॉक करने आए हैं. और इधर भाई ये चेक करो आप, गार्डन वगैरह बना रखा है यहाँ से, तो मेन गेट्स वगैरह ये हैं.
फाइनली गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं भाई डैम वाली लोकेशन पर, और पीछे आप मेरे चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर है डैम और यहाँ खड़ी है डैम पर अपनी दोनों बाइक्स। चेक करो भाई, यहाँ खड़ी RR 310, उधर खड़ी है कॉन्टिनेंटल GT 650, और ये भाई डैम के गेट्स हैं। यहाँ गौरांग भाई खड़े हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ चेकआउट करो आप ज़रा, यहाँ की कंडीशन देखो, इधर से जो गेट्स हैं वहाँ से पानी डाइवर्ट किया जा रहा है। चेक कराता हूँ मैं आप लोगों को, ये चेक करो भाई, ये चेक करो, क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है भाई। कॉमेंट करके ज़रूर बताना भाई कैसा लग रहा है। ये है लोकेशन और क्या ज़बरदस्त लग रही है। और इधर से भाई मॉर्निंग की वाइब्स आ रही है। यहाँ पर वोटिंग वगैरह भी होती है भाई, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह होती है, उस साइड पर आप चेक कर सकते हो। तो ये कुछ गेट हैं और ये कुछ लोकेशन है जहाँ भी हम आए हुए हैं, भी आप चेक कर सकते हो। इधर से अभी हम आए हैं तो भाई इस लोकेशन पर अभी हम पहुँचे हैं। ये लोकेशन भाई बाजपुर के पास में पड़ती है, बहुत ही कूल सा प्लेस है यार, बिल्कुल शांत प्लेस है, इन्जॉय कर सकते हो आप अपनी फैमिली के साथ पर आकर। तो भाई बाजपुर से जब आप आओगे तो इस डैम के बारे में आप पता कर सकते हो, इसे हम बोलते हैं गुलरबोज डैम के नाम से, ये काफ़ी फेमस है। गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि यार अभी हम लोगों को नाश्ता करना है और यहाँ पर अभी कोई भी शॉप अभी खुली भी नहीं है। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं बाजपुर में अगर कोई शॉप मिल जाएगी तो वहाँ पर चाय वगैरह पियेंगे। यहाँ अपनी दोनों बाइक्स पार्क हैं और इस लोकेशन पर हम लोग थे। चेक करो क्या प्यारी सी लोकेशन है, और ये देखो यार यहाँ पर बोट्स वगैरह लगी हैं यहाँ पर, और बोटिंग की तैयारी हो रही है। चेक कर सकते हो आप, ये कुछ यहाँ का नज़ारा है भाई। तो फिलहाल यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है भाई। सो लाइट गाइज, फिलहाल हम लोगों ने बाइक के स्विच कर लिए हैं और भाई चलाने वाला है कॉन्टिनेंटल GT, हम चलाने वाले हैं यहाँ पे RR 310। थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। और ये देख रहे हो डस्ट देखो भाई कितनी ज़बरदस्त डस्ट है। तो इसका भाई इंस्ट्रूमेंटल कॉन्सोल बहुत प्यारा लगता है भाई। सो फिलहाल गाइज हम फील ले रहे हैं RR 310 का, और इसको टर्न करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि लाइट वेट है अपने GT 650 के कंपैरिजन में, इसको हम इजीली मैन्यूवर कर पा रहे हैं। वापस आ चुके हैं अपने कैफे रेसर स्टाइल में और भाई बहुत डिफरेंस लगता है। चलो भाई ने इशारा किया, एक फ्लाई बाय देते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, बिल्कुल डिफरेंट फील हो रहा है भाई उस बाइक से इस बाइक पर आने के बाद में। ओहो गलत चला गया भाई, गलत चला गया, ये जीप वाला पता नहीं क्या कर रहा है। ओहो हो फ्लाई भाई, क्या बात है भाई, फिलहाल गाइज अपना पॉइंट आ चुका है जहाँ पर अभी हम लोग रुकने वाले हैं। और यहाँ पर रुकेंगे हम ढिल्लन ढाबा पे, आज हम अपना स्टे करेंगे और यहाँ हम अपना नाश्ता करने वाले हैं। ओहो हो यार ये क्या तरीका है भाई बजरिया डालने का, यहाँ पर चाहते क्या हो, गिराना चाहते हो लोगों को, ये तो कोई बात नहीं हुई यार। ऑलराइट गाइस अभी हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता कर लिया है, पीछे से हम लोग आ चुके हैं ढिल्लन ढाबा से नाश्ता करने के बाद। तो टाइम हो चुका है यार 8:30 बज रहे हैं, धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी है। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और इस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है। व्लॉग कैसा लगा यार ज़रूर कमेंट करके बताना, और नए व्लॉग में आप लोगों से मिलेंगे जिसमें RR 310 और GT 650 की हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया सी ड्रैग की है। तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं भाई आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंड कीप सपोर्टिंग।